मानव सेवा संघ की ओर से करनाल के करण पार्क में 3 जरूरतमंद कन्याओं का सामूहिक विवाह करवाया गया। इस दौरान उन्हें जीवन उपयोगी वस्तुएं भी भेंट की गई। मानव सेवा संघ के संचालक स्वामी प्रेम मूर्ति ने बताया कि इससे पहले वे 600 से भी अधिक लड़कियों के विवाह करवा चुके हैं एवं उनको जीवन उपयोगी वस्तुएं भी भेंट की जाती है। उन्होंने कहा कि जो दूसरों की सेवा करता है भगवान स्वयं उसकी सेवा करते हैं। गौरतलब है कि मानव सेवा संघ बड़े लंबे अरसे से विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेता है। मानव सेवा संघ जल सेवा से आरंभ होकर रक्तदान शिविर लगाना, फ्री मेडिकल चेकअप कैंप लगाना, गरीब कन्याओं की शादी करवाना एवं गरीबों को भोजन करवाना विभिन्न प्रकार के कार्यों में बढ़ चढ़कर कार्य कर रहा है। आज के विवाह समारोह में शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की एवं वर वधु को अपना आशीर्वाद दिया। देखिए एक रिपोर्ट। कन्याओं का विवाह कराया गया, कितनी कन्याओं का आज शादी कराएगी और कितने अभी तक करा चुके हैं? बोलो। 3 की आज हुई है, 623 पहले हो चुकी है और 15 मार्च को फिर आयोजन किया जा रहा है। इस समय पर महामंडलेश्वर गीता मुनिश्री डॉक्टर स्वामी गीतानंद जी महाराज जी पधारे और वर वधु को आशीर्वाद दिया और अगली जो शादियां हैं 15 मार्च को होने जा रही है और 2 फरवरी को फ्री रक्तदान शिविर है। आप सबके सहयोग से लगाया जा रहा है पर 23 तारीख को फ्री आई कैंप लगेगा। इस प्रकार से सब सेवाएं फ्री चल रही है और आप सबके प्रेम भाव और सहयोग के लिए धन्यवाद। वास्तव में एक ही बात है, प्राणी सेवा ही पूजा है, कार्य उसी का सिद्ध होता है, दूसरा काम आता है। आज 3 शादियों कराएगी, उनको क्या क्या दिया गया? कोई दहेज भी दिया, सामान भी दिया जरूरत का? उनको सारा जूट का सामान दिया गया, पैसे इत्यादि भी दिए गए, सेवा में पूरी तरह से उनकी मदद की गई। हम तो फेरे में यहीं पर होने लग रहे हैं, सबके भले में अपना भला इसी भावना सब कायम चल रहा है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।